इसके बदले में कुछ बर्गर पी जाओगे तुम यूं ही खत्म कर देती। नहीं नहीं माँ ऐसी बात नहीं, पालक की सब्जी मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं है। ये सबको पसंद आएगी और तुम्हें पसंद आएगी जब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। कौन सी कहानी बताओ ना माँ जल्दी बताओ। ये कहानी है एक किसान की जो एक गाँव में अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन वो किसान बहुत उदास रहता है। उसे एक दिन उनसे उसकी पत्नी पूछती है, अच्छा जी मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत उदास दिखाई देते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार वर्षा बहुत कम हुई इसलिए फसल में अधिक नुकसान आया। हाँ पिताजी मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत उदास रहते हो और घर भी बहुत देरी से आते हो। नहीं नहीं बेटा मैंने कहा है ना मैं फसल में अधिक ध्यान देता हूँ इसलिए देरी से घर आता हूँ, आप पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ पिताजी मेरी स्कूल की फीस अभी जमा नहीं हुई है और जिनकी दीदी ने भी किताबें नहीं दी हैं। अच्छा जी आप बहुत उदास दिखाई देते हैं, जरूर कोई बात है, आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। नहीं नहीं मैं आपसे और कौन सा बात छुपा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। है जी विश्वास है आपका। अच्छा बच्चा चलो जाओ। अच्छा जी आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, जरूर कोई बात है। नहीं नहीं मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आप पर विश्वास है। चलो खाने चलते। चलिए जी छुपा रहे, जरूर कोई बात है। अगले दिन जब किसान खेत जाता है तो किसान से खेत में मिलने जमींदार आता है। श्रीमान जी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक हो? हाँ बढ़िया। और बताओ मेरे पैसे कब दे रहे हो? कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? हमारे यहाँ के घास चले गई है पूरे 25,000 में, तुमने मेरे दिए थे दो बरस घर के लिए थे, अभी तक नहीं दिए। कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? इतनी बड़ी रकम तो मैं किसी से नहीं लेता। अरे वही जो तुमने अपने खेत के लिए दिए थे। अच्छा वो वाले पैसे? वो पैसे तो मैं परसों तक दे ही दूंगा। परसों कहते कहते 3 बरस हो चुके, कब दोगे मेरे पैसे? आपके पैसे के इंतजाम मैं परसों तक कर ही दूंगा। परसों तक मेरे पैसे के इंतजाम हो जाना चाहिए वरना मैं तुम्हारे परिवार को सड़क पर ला दूंगा। नहीं नहीं जमींदार साहब मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना, मैं आपके पैसे कल परसों तक दे ही दूंगा। परसों तक मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए वरना तुम देख लेना। मैंने जमींदार साहब को तो कह दिया है इतने सारे पैसे मैं लाऊं तो लाऊं कैसे। अच्छा बच्चों मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। हाँ पिताजी क्या लाए हो, दिखाइए ना दिखाइए ना। बच्चों मैं आपकी फीस का इंतजाम कर दिया हूँ और रिंकी दीदी से आपके लिए कुछ पुरानी किताबें पढ़ने के लिए ला दिया हूँ, ये लो। धन्यवाद पिताजी। शुभरात्रि पिताजी। शुभरात्रि बच्चों, चलो अब सोने चलते। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा बच्चों
देखो ना। बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारी माँ का अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी में जो चार पहिए लगे थे, मैं उनमें से एक पहिया मैंने तोड़ दिया, पर वो मैंने जानबूझकर नहीं लिया। वो पहिया तोड़ने का कारण मेरा इस जिंदगी से चले जाने का कारण मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। बस इतना कहूँगा कि कुछ दिन बाद मीनाक्षी दीदी आएगी और वो अपना घर कब्जे में ले लेगी, पर तुम चिंता मत करना। अलमारी में तकिए के नीचे कुछ 300-400 रुपए रखे हैं। वो हमारे गांव में एक छोटी सी कुटिया आने का जीवन गुजारने के लिए सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर उनका जीवन उज्जवल करना। मैं तुम्हें सफल होते तो नहीं देख पाऊंगा, और तुम्हें अपना और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। अन्य का अपमान ना करें।